प्रो कबड्डी सीजन 9 में कुल यहाँ पे 114 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज के दिन ट्रिपल पंगा खेला गया था एंड आज के तीनों मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहले मुकाबले में यूपी योद्धास की टीम ने यू मुंबा को हराया, दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स की टीम ने पट्टा पायरेट्स को हराया एंड वहीं पे तीसरे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने बंगाल वॉरियर्स को हरा दिया है। एंड इसी के साथ दो टीम्स ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है, वैसे तो चार टीम्स कर चुकी है। कौन सी टीम क्वालिफाई की है एंड जो टीम नहीं क्वालिफाई की है उनका क्या सिनेरियो है एंड क्या पॉइंट्स टेबल है, आपको इस शो में जानने को मिल जाएगा। अब इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये नेल बाइटिंग मैचेस फ्री में लाइव देखने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रो कबड्डी के मैचेस को फ्री में लाइव देख सकते हो। अब स्टार्ट करते सबसे पहले नंबर 12 से, तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 12 पे तेलुगु टाइटंस की टीम है। तेलुगु टाइटंस की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से दो मैच जीती है, 17 मैच हारी है 15 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -186 का चल रहा है एंड तेलुगु टाइटंस की टीम प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह एलिमिनेट हो चुकी है, आप सभी को पता ही होगा। एंड अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 11 पे गुजरात जायंट्स की टीम है। गुजरात जायंट्स की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 7 मैच जीती है, 11 मैच हारी है, एक मैच टायर है 46 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -32 का चल रहा है। अब वैसे तो गुजरात जायंट्स की टीम भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो ही चुकी है, अपने बचे हुए तीनों मैचेस जीत भी जाती है तब भी यहाँ पे 61 पॉइंट्स तक पहुँच पाएगी एंड मुझे लगता है कि और भी जो दो टीम्स हो यहाँ पे पहुँच सकती है, मैथमेटिक्स चांस बचा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो गुजरात जायंट्स की टीम एलिमिनेट हो चुकी है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 10 पे पटना पायरेट्स की टीम है। पटना पायरेट्स की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 7 मैच जीती है, 9 मैच हारी है, 3 मैचेस टाई है 49 पॉइंट्स के साथ। इनका -42 का चल रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे पटना पायरेट्स का स्कोर डिफरेंस भी बहुत ही बेकार चल रहा है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ही डाउन हुआ है। पटना पायरेट्स के 3 मुकाबले बचे हुए एंड इनको तीनों मुकाबले कैसे भी करके जीतने हो गए। अगर एक भी मुकाबला पटना पायरेट्स की टीम अब यहाँ पे हार जाती है तो यहाँ पे पटना पायरेट्स की टीम प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह एलिमिनेट हो जाने वाली है एंड पटना पायरेट्स को अगर तीनों मैचेस जीत जाती है देन यहाँ पे 64 पॉइंट्स तक पहुँच पाएगी, तब भी यहाँ पे चांसेस बचते, देन यहाँ पे और भी टीम से डिपेंड यहां पे होने वाली है पटना की टीम। लेकिन अगर एक भी मुकाबला हारी या फिर टाई की देन यहां पे इनका जो काम है मुझे लगता है कि पूरी तरह खत्म हो जाने वाला है। अब यहां पे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, यहां पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 9 पे यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है, 10 मैच हारी है 50 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -15 का चल रहा है। अब यू मुंबा का कैसे सिनेरियो, यू मुंबा की टीम भी आज का मुकाबला हार गई थी एंड इनके भी 3 मुकाबले बचे हुए एंड तीनों मुकाबला कैसे भी करके जीतना होगा। अगर यू मुंबा की टीम एक भी मुकाबला हार जाती है देन यहाँ पे यू मुंबा की टीम भी प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह एलिमिनेट हो जाने वाली है। तो यू मुंबा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले, तीनों मुकाबले जीतेगी तो क्वालिफाई कर सकती है, एक भी मुकाबला हारेगी तो बाहर हो जाएगी। बढ़ते नंबर 8 की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 8 पे बंगाल वॉरियर्स की टीम है। बंगाल वॉरियर्स की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 9 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है 50 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस +25 का चल रहा है। बंगाल वॉरियर्स का अच्छी बात यह है कि इनका स्कोर डिफरेंस प्लस में है, लेकिन सबसे मेन चीज़ आप पॉइंट स्कोर नहीं कर पाओगे तो स्कोर डिफरेंस आपका कितना भी प्लस में चले वो कोई फायदा है नहीं। एंड बंगाल के लिए भी अब यहां पे डू ऑर डाई सिचुएशन हो चुका है, इनको भी अपने बचे हुए तीनों मुकाबले कैसे भी करके जीतने होंगे, एक भी मुकाबला हारती है देन यहां पे बंगाल वॉरियर्स की टीम भी प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो। यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, नंबर 7 की तरफ, यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे और नंबर 7 पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 9 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है 51 पॉइंट्स के साथ। इनका स्कोर डिफरेंस -10 का चल रहा है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने क्या ही कमबैक किया है। हरियाणा स्टीलर्स की टीम एक हफ्ते पहले पूरी तरह नॉकआउट होने वाली थी लेकिन मुकाबला जीता, पटना को हराया, देन यहाँ पे एक टीम को और हराया, बरकरार रही एंड अब यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने बंगाल वॉरियर्स को हरा के लगातार 3 जीत के ही अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बरकरार है एंड हरियाणा स्टीलर्स की टीम अपने बचे हुए तीनों मुकाबला जीत जाती है तो डेफिनेटली हरियाणा स्टीलर्स की टीम 66 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की टीम एक भी मुकाबला हार जाती है देन यहाँ पे इनके जो चांसेस है वो यहाँ पे खत्म हो जाने वाले,
तो हरियाणा के लिए भी एक हिसाब से डू और डाई सिचुएशन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको टॉप सिक्स टीम्स के बारे में बताऊँ, इससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपको प्रो कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है @FilterKabaddi पे। आपको PKL के लेटेस्ट अपडेट एंड और भी इंटरेस्टिंग कबड्डी के कॉन्टेंट देखने को मिल जाएंगे। जो भी ज्वाइन कर चुके उनको पता होगा, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाके इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोनों टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 6 पे दबंग दिल्ली की टीम है। दबंग दिल्ली की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 9 मैच जीती है, 9 मैच हारी है, 1 मैच टाई रहा है। 54 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +3 का चल रहा है। दबंग दिल्ली का सिनेरियो थोड़ा सिंपल है, 3 मुकाबले बचे हुए एंड 2 मुकाबला और भी जीत जाती है तो यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब का कॉम्पिटिशन चल रहा है, मुझे लगता है कि तीनों मुकाबला जीतने हो गए, 2 मुकाबला जीतने से भी हो सकती है, लेकिन और भी टीम्स के रिजल्ट पे यहाँ पे डिपेंडेंट यहाँ पे दबंग दिल्ली की टीम होने वाली है अगर 2 मुकाबला सिर्फ जीतेगी। बढ़ते नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे नंबर 5 पे तमिल थलावास की टीम है। तमिल थलावास की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 8 मैच जीती है, 7 मैच हारी है, 4 मैचेस टाई है। 56 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस -15 का चल रहा है। तमिल थलावास की टीम अभी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में, इनके 3 मुकाबले बचे हुए एंड इनको सिर्फ 2 जीत की और जरूरत है। 2 मुकाबला जीतते ही तमिल थलावास की टीम भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बढ़ते नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे बेंगलुरु बुल्स की टीम है। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 11 मैच जीती है, 7 मैच हारी है, 1 मैच टाई है। 63 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +29 का चल रहा है। अब वैसे तो बेंगलुरु बुल्स की टीम ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स की टीम टॉप 2 के लिए भी देखेगी जिसके चांसेस यहाँ पे बनते हैं। 3 मुकाबला जीतती है तो बेंगलुरु बुल्स की टीम टॉप 2 में एंड कर जाएगी एंड 1 मुकाबला और भी जीत जाती है तो यहाँ पे ऑफिशियली भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाने वाली है। बढ़ते नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे यूपी योद्धास की टीम आ चुकी है। यूपी योद्धास की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 11 मैच जीती है, 6 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है। 65 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +56 का चल रहा है। अब यूपी योद्धास की टीम भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है प्लेऑफ के लिए, टाई करे या फिर जीते ऑफिशियली क्यू मार्क आ जाने वाला है एंड यूपी योद्धास का बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि टॉप 2 में एंड कर जाए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे पुनेडी पल्टन की टीम है। पुनेडी पल्टन की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 12 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई है। 69 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +53 का चल रहा है। पुनेडी पल्टन की टीम अब यहाँ पे ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है एंड अगर 2 मुकाबला और जीत जाती है तो ये कन्फर्म हो जाने वाला है कि पुनेडी पल्टन की टीम टॉप 2 में एंड कर पाएगी। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम है। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने 19 मैचेस खेले जिसमें से 13 मैच जीती है, 6 मैच हारी है। 69 पॉइंट्स के साथ इनका स्कोर डिफरेंस +134 का चल रहा है। अब जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भी ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुकी है एंड वही बात, 2 मुकाबला और जीत जाती है तो कन्फर्म हो जाने वाला है कि जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भी टॉप 2 में एंड करेगी। तो अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे सबसे टॉप है जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम एंड वहीं पे बॉटम पे तेलुगु टाइटंस की टीम है। आपकी फेवरेट टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे कौन से रैंक पे है कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के ट्रिपल पंगा के बारे में। आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस पुनेडी पल्टन के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला दबंग दिल्ली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस वर्सेस तमिल थलावास के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला तमिल थलावास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड वहीं पे तीसरा मैच जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा एंड ये मुकाबला बंगाल वॉरियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तीनों मैचेस कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करने वाले हो कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग।